बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि जिन दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि दोनों सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। जल्द ही चिराग पासवान का दोनों सीटों पर दौरा शुरू होगा। पहले सुनिए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। पार्टी का ध्यान केंद्रित है कि उन दोनों सीटों पर, तारापुर की और कुशेश्वर स्थान की सीटों पर, पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, प्रत्याशियों का चयन लड़ेंगे चल रही है। बिल्कुल, लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी, उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बहुत जल्द मेरे भी कार्यक्रम अब वहाँ पे शुरू हो जाएंगे। पार्टी के संगठन के लोग वहाँ पर ऑलरेडी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बहुत जल्द संसदीय बोर्ड की तरफ से भी औपचारिक घोषणा की जाएगी, बिहार के संसदीय बोर्ड की तरफ से भी इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। तो मेरी प्राथमिकताएं आज की तारीख में अलग है। मेरा ध्यान पूरी तरीके से मेरे संगठन पर केंद्रित है, पार्टी को और मजबूत करने पर केंद्रित है। कौन गठबंधन में कौन स्वागत कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, इस तरफ मेरा ध्यान। आपने सुना चिराग पासवान को, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जाहिर सी बात है दोनों सीटों में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बीते विधानसभा में जिस तरीके से चिराग पासवान की भूमिका रही है, उसको लेकर लगातार संशय बरकरार था कि क्या इस बार चिराग पासवान दो सीटों पर, जो बिहार विधानसभा की दो सीटों पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान जो चुनाव होने हैं, उस पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन आपने सुना चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि दोनों सीटों पर चुनाव जो है वो LJP लड़ेगी। प्रत्याशियों का चयन का सिलसिला जो है वो जारी हो गया है और जल्द ही बिहार संसदीय बोर्ड के तरफ से भी ऐलान कर दिया जाएगा ऑफिशियली। लेकिन चिराग पासवान ने कहा है खास बातचीत करते हुए कि बिल्कुल दोनों सीटों पर जो है LJP चुनाव लड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं इस बार भी लड़ाई जो है काफ़ी दिलचस्प होगा, इसलिए कि बीते विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान ने JDU को कमज़ोर करने कि जो भूमिका उनकी रही है, उसको लेकर इस बार भी दोनों सीटों पर जो है चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी। और साफ तौर पे दोनों सीटों जो है वो JDU के खाते में थी, JDU के उम्मीदवार वहां से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। तो इसलिए भी कहा जा रहा था कि जिन जिन सीटों पर JDU बीते विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ी, वहाँ वहाँ लोजपा चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार रहे। और कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा झटका जो है नीतीश कुमार को मिला था चिराग पासवान को लेकर। अब भी यह साफ हो गया है कि दोनों सीटों पर चिराग पासवान के उम्मीदवार होंगे। तेजस्वी यादव लगातार दावे कर रहे हैं कि महागठबंधन के उम्मीदवार वहां पे जीत दर्ज कराएंगे। और बात की जाए JDU की, तो वहां पे लगातार JDU के जो कोटे से मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उनके जाने का सिलसिला वहां शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच चिराग पासवान का बयान आ गया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दोनों सीटों पर चुनाव LJP जो है वो लड़ेगी, जल्द ही वहाँ का कार्यक्रम जो है वो तय किया जाएगा। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी अभी पहली प्राथमिकता आशीर्वाद यात्रा है, लेकिन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और यदि हमारा कार्यक्रम जो है वो तारापुर कुशेश्वर स्थान के लिए तय होगा और संसदीय बोर्ड की तरफ से भी ऐलान किया जाएगा, तो एक बड़ी खबर है कि JDU जहां से चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी तय नहीं हुआ है कि NDA में किनका सीट होगा, JDU लड़ेगी या BJP लड़ेगी या कोई घटक दल लड़ेगा, लेकिन JDU की सीट रही है। तो साफ तौर पर चिराग पासवान का ऐलान हो गया है कि दोनों सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। देखते रहिए रिलायंस बिहार, नमस्कार।